तारीख थी 3 जून 2022। सिनेमा घर में एक फिल्म लॉन्च होती है और पहला शो चलता है। फिर क्या होता है? फिर विरोध की आंधी ऐसी चल पड़ती है कि तुरंत ही शो को बंद भी कराना पड़ जाता है। सिनेमा हॉल के मालिक ने दलील दी कि उनके स्टाफ को मुस्लिम समुदाय से खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो। आज बात पैगंबर की बेटी के संघर्ष की कहानी के पीछे शुरू हुए विवाद की होगी। आखिर क्यों हुआ एक फिल्म पर इतना बवाल? दरअसल ये फिल्म एक कहानी पर आधारित थी जिसमें आतंकवादियों के इराक पर किए गए कब्जे और आतंक की बुनियाद की काली सच्चाई को दिखाया गया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के किरदार को दर्शाया गया है और ये भी बताया गया है कि वो ही पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्हें आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन वो अपने वतन के लिए आखिरी तक लड़ी। अब इसको लेकर कट्टरपंथियों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। नाराजगी इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद या उनके परिवार के किसी भी इंसान की फोटोग्राफी करना उनके धर्म के खिलाफ है। इसी को हवा देते हुए कट्टरपंथियों ने विरोध शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि किसने लिखी ये कहानी? तो चलिए आपको बता देते हैं किसने लिखी ये कहानी। फिल्म की कहानी कुवैत के रहने वाले यासिर अल हबीब ने लिखी है, वो शिया मुस्लिम है। फिल्म के निर्देशक मलिक के साथ साथ कई कलाकारों पर फतवा भी जारी हो चुका है, वो भी तब जब इस फिल्म के निर्देशक ने साफ बताया कि इस फिल्म में फातिमा के विजुअल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि एडिटिंग की मदद से उसको एक नए फॉर्मेट में चित्रित किया गया है। इसी को लेकर शिया समाज के लोग भी सुन्नी समाज के लोगों पर उंगली उठा रहे हैं और इस विरोध को गलत भी बता रहे हैं। कहां कहां हो रहा है ये विरोध वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान, इजिप्ट, ब्रिटेन के साथ साथ लगभग दुनिया के कई इस्लामिक कंट्रीज में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। दरअसल इसको लेकर ब्रिटेन में डर का माहौल है। दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला ब्रिटेन भी इस कट्टरता के आगे बेबस दिख रहा है। तभी तो लीड स्थित मक्का मस्जिद के प्रमुख इमाम असीम को पत्र भेजकर उसे इस्लाम फोबिया पर ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्र सलाहकार पद से हटा दिया गया। विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि इस फिल्म में इस्लाम का अपमान किया गया है, लेकिन असली कहानी क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी ये जांच का विषय है कि इस फिल्म में फातिमा के संघर्ष से दुनिया को रूबरू कराया गया है या फिर ये साजिश इस्लाम को आहत पहुंचाने का एक प्रयास है। तो ये थी द लेडी हेवन फिल्म की पर्दे के पीछे की विवादों की कहानी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।